राम कहिए हुसैन पर की बहिष्ट जिसका सिला मिले वो सलाम कहिए मिले ये तरफ तो अपनी तरफ से है पर वहां से देखिए क्या मिले ये तरफ तो अपनी तरफ से है पर वहां से देखिए क्या मिले जो दरे हुसैन का हो मकी तो जाके पहुंचे अली तला जो दरे हुसैन का हो मकी तो जाके पहुंचे अली तला जो अली मिले तो नबी मिले जो नबी मिले तो खुदा मिले ला सलाम कहिए मारे गम को दवा दीजिए पहले बीमार गम को दवा दीजिए गर ना अच्छा हुआ उसको दवा करना अच्छा हुआ तो उसको दवा दीजिए दवा और दुआ जब ना काम आ सके दवा वो दुआ जब ना काम आ सके तो थोड़े से खाके शफा दीजिए पहले बीमार गम को कुदरत का जो पैमाना है नफ्स वो मर्जी है कुदरत का जो पैमाना है खुद ब खुद क्यों न झुके आज जबीने आला खुद ब खुद क्यों न झुके आज जमीने आला अपना काबा है और है दर
در قدر چخا نہ ہے کس نے دل سے غم والا مٹانا سیکھو دل سے غم والا مٹانا سیکھو سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانا سیکھو سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانا سیکھو حیدر کی طرح روٹیاں جو کے کی طرح روٹیاں جو کے کھا کر چولے درے خیبر کی ہلانا سیکھو دل سے غم والا تھا حکم یہ یزید کا پانی پہ زر پیئے تھا حکم یہ یزید کا پانی پہ زر پیئے گھوڑے سوار پیے اور ستار پیے گھوڑے پیے سوار پیے اور ستار پیے جو تشنا لب جہاں کے ہیں وہ بے ادار پیے جو تشنا لب جہاں کے ہیں وہ بے ادار پیے یہاں تک کہ سب چرند پرے آن یہاں تک کہ سب چرند پرے آن کر پیئے کافر اگر پیئے تو منا تم نہ کیجیو کافر اگر پیئے تو منا تم نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو تھا حکم یہ یزید کا نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے ابا نکلے خیمے سے جو
हथियार लगाए चढ़ के रहवार पर मैदान में आए ए अब्बा चढ़ के रहवार पर मैदान में आए ए अब्बा गम है प्यासों के सजे जंग के हथियार भी हैं गम है प्यासों के सजे जंग के हथियार भी हैं लड़ने को आए हैं पानी के तलब गा अब्बास ने जब प्यास की हिदायत देखी शैबे अब्बास ने जब प्यास की हिदायत देखी तब ये की अर्ज बहुत हमने मुसीबत देखी तब ये की अर्ज बहुत हमने मुसीबत देखी सब अजीजों के रफीकों की शहादत देखी सब अजीजों की रफीकों की शहादत देखी और मुरझाई हुई आपकी सूरत देखी और मुरझाई हुई आपकी सूरत देखी पानी हम लाएंगे दरिया की इजाजत दीजिए पानी हम लाएंगे दरिया की इजाजत दीजिए सूखे होठों का तसद्दो मुझे रोक सकत कीजिए शैबे अब्बास ने का जिक्र हो जिसमें वो घर वीरान नहीं होता अली का जिक्र हो जिसमें वो घर वीरान नहीं होता अली का जिक्र हो जिसमें वो घर वीरान नहीं होता नजर लगने का उस घर को कभी इम्कान नहीं होता नजर लगने का उस घर को कभी इम्कान नहीं होता कोई सूली पे चढ़ता है कोई बैलों बनता है कोई
कोई सूली पे चढ़ता है कोई बैलोल बनता है। अली का तस्करा करना कोई आसान नहीं होता, अली का तस्करा करना कोई आसान नहीं होता। अली वाले उसे बस मुनकरे कुरान कहते हैं, अली वाले उसे बस मुनकरे कुरान कहते हैं। अदुए आले अहमद हाफिजे कुरान नहीं होता, अदुए आले अहमद हाफिजे कुरान नहीं होता। किसी बद नस्ल को हम असल यूं भी कहे नहीं सकते, किसी बद नस्ल को हम असल यूं भी कह नहीं सकते। कभी भी भागने वाला रहे मर्दान नहीं होता, कभी भी भागने वाला रहे मर्दान नहीं होता। वो जर्रों को बना सकता है सूरज खाक को सोना, वो जर्रों को बना सकता है सूरज खाक को सोना। अली का चाहने वाला तही दामा नहीं होता, अली का चाहने वाला तय दामा नहीं होता। सहाबी और मुनाफिक में हम इतना फर्क रखते हैं, सहाबी और मुनाफिक में हम इतना फर्क रखते हैं। सहाबी जान तो होता है वाले जान नहीं होता, सहाबी जान तो होता है बवाले जान नहीं होता। उसे कुरान में अमरान पुकारा रब्बे अकबर ने, उसे कुरान में उमरान ने पुकारा रब्बे अकबर ने। बेसर हो कुल ईमा जिसका बे ईमान नहीं होता, बेसर हो कुल ईमा जिसका बे ईमान नहीं होता। मुनाफिक भागते क्यों है वला के फर्ज से उठकर, मुनाफिक भागते क्यों है विला के फर्ज से उठकर। जफर अब्बास अब इस बात पे हैरान नहीं होता, अली का जिक्र हो जिस بسم الرحمن الرحيم اللهم كن ولي قل هدى تمل أشان سلوتك عليه وعلى إبائي في هذه الشاك ونيو ومسلو وديلو وإنا حتى سكن والجقاة وعظمت يوفية بسلوات اللهم صل على محمد.
الشمال الرحيم هدلنا بسير كلاشكا المنادية تفوى بلا بلا كشمن دل منادية لولي شنا شنا كريك ملاتكو أمو ولي شمتو هدل منادية بسلام الرحيم ضرور منا جاتی ہے ایک بات من میں سچ جاتی ہے بازو کاٹے سے جلنا ہونا بات کے ان کے اولاد علم دیکھ کر چل جاتی ہے بسلام الرحیم جب تک علی درون بسایا نہ جائے گا خلد علی کے آگ کو پایا نہ جائے گا اصل علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب العود والکوثر والتاج والمغفر والقطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبين الازهر والحسب الاطهر والنسب الاشهر النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتعي الوتي التهاومي العجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين اب القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الدائین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنۃ سیما بقیۃ اللہ الی آدم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال الله تعالى في قران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ایک صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وعلى محمد قران کی یہ آیت جس میں خداوند عالم سوال کے عنوان سے ایک حتمی فیصلہ بیان کر رہا ہے اور اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو اور کیا نہیں سوچتے ہو اور کس کے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ نہیں ہو اس کا تمہیں فیصلہ اس عنوان سے کرنا ہے کہ خدا آواز دے رہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وہ لوگ کے جو جانتے ہیں وہ جو لوگ کے جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ کے جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اب بظاہر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ ایک سوالیہ عنوان سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے لیکن اللہ کے منشا کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں میں خدا کا اپنا ماننا کیا ہے سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کیا جاہل اور عالم پڑھے لکھے اور جاہل جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہیں تو اب آپ تصور کیجئے گا ایک کامن سنس کی بات ہے ہر آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس سوال سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کا کیا ارادہ ہے اور اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہیں
ये हर इंसान जानता है, बिल्कुल वाज़े सी बात है कि कभी भी जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते, जानने वाला और न जानने वाला बराबर नहीं हो सकता है। वो जो इल्म रखता है और वो जो इल्म नहीं रखता है, दोनों को एक खाने में नहीं रखा जा सकता है, दोनों को एक खाने में नहीं रखा जाता है। और मैंने अर्ज़ किया था, याद रख आपकी खिदमत में, आपको याद होगा, जहन में होगा कि जहालत एक उस ऐसी शय का नाम है कि जो इंसान की बहुत सी खूबियों पे पर्दा डाल देती है, बहुत सी अच्छाइयों को छुपा लेती है, जिसे जहालत कहा जाता है। वो जहालत जो है वो निखार नहीं पैदा कर पाती इंसान की शख्सियत में, चाहे वो कितना ही बाएख़लाक क्यों ना हो, कितना ही खुश अख्लाक क्यों ना हो, कितना ही नमाजी क्यों ना हो, कितना ही रोज़ेदार क्यों ना हो, कितना ही सखावत करने वाला क्यों ना हो। ये सारी अच्छाइयाँ इंसान में पाई जाएं, लेकिन अगर वो ज़ेवर इल्म से आरास्ता नहीं है और उसके पास इल्म नहीं पाया जाता, तो ये सारी चीज़ें भी बेमाना हो के रह जाती हैं। और देखिए, इंसानों ही की निगाह में नहीं, अल्लाह की निगाह में भी, अल्लाह की निगाह में भी मामला ये है कि अल्लाह को खाली इबादत, ये गलत फहमी इंसान के जहन में है कि अल्लाह को खाली हमसे नमाजें चाहिए। ये इंसान सोचता है कि अल्लाह की डिमांड है, नमाजें चाहिए अल्लाह को, रोज़ा चाहिए अल्लाह को, हज चाहिए अल्लाह को। आप गौर कीजिएगा, जबकि वो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है, वो हमारे सजदे से बेनियाज, हमारे भूखे रहने से बेनियाज, वो हमारे खाने काबा के चक्कर से बेनियाज है कि नहीं, वो हमारी इबादतों से बेनियाज है, जिसे ना हमारी नमाज, ना हमारे रोज़े, ना हमारे हज और ज़कात से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। तो जिन नमाजों से अल्लाह की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है, वो मुतालबा काहे के लिए करेगा, करो, आप गौर कीजिएगा। तो अगर मुतालबा कर रहा है और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नमाजें उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाती, बल्कि नमाज पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुँचाती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं पोषिता है। वो जो नमाज एक डिमांड है, एक मुतालबा है इंसान के जहन में होता है कि यही वो मुतालबात हैं कि जो अल्लाह से हैं, अल्लाह के हमारे हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है कि नहीं है, ये मुतालबात बंदे से अल्लाह के हैं। लेकिन आप ये समझिएगा बात को कि अल्लाह खाली नमाज नहीं चाहता। मैं कई मरतबा पढ़ चुका हूँ, 50 मरतबा, ये मजलिसों का तो फैल है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो बड़े बड़े सारी उम्र नहीं सुन पाते और उनको पता नहीं चल पाता, इन मजलिसों के तोफैल में बड़ी गहरी गहरी बातें है कि नहीं, वो गहरी गहरी बातें हैं, वो गोश गुजार कर दी जाती हैं। और अजीब है कि ये तन्हा एक ऐसा क्लासरूम है और एक ऐसा जिसे कह लीजिए कि मकतब है कि जहाँ हर सिनो साल के लोग एक साथ बैठते हैं, हर सिनो साल के लोग एक साथ बैठते हैं, हर स्टैंडर्ड के लोग एक साथ बैठते हैं, हर लेवल के लोग एक साथ बैठते हैं, है कि नहीं है। तो मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है और आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि अल्लाह ने बहुत वाज़े उन्वान से कम एक जगह नहीं, 50 मौक़े के ऊपर इस बात को वाज़े किया है कि तुम हमारे पास क्वांटिटी लेके क्यों आते हो। ये अपनी नमाजों की फहरिस्त की धौंस जमाने की क्या ज़रूरत है, ये अपने रोज़े गिनवाने की क्या ज़रूरत है, ये अपने हज की तादाद बताने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम क्वांटिटी में कुछ मांगते ही नहीं। हम क्वांटिटी में, तादाद में, मकदार में कुछ मांगते ही नहीं हैं। हम तो मांगते हैं क्वालिटी में तुमसे। हम कहते हैं 17 रकत नमाज पढ़ो, 18वीं मत पढ़ो ज़िंदगी में कभी, 24 घंटे में 17 से 18 मत करो, 17 ही पढ़ो, मत पढ़ो नवाफिल, मत पढ़ो दुआएं, मत पढ़ो दूसरा और कोई इबादत, बस ये जो 17 पढ़ो ये परफेक्ट होनी चाहिए, बस ये परफेक्ट होनी चाहिए, ये जो 17 रकत नमाज है ये परफेक्ट होनी चाहिए, 1 महीने का रोज़ा वो परफेक्ट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान मुस्तहबी रोज़ा रखे। और अजीब है, हम लोगों के यहाँ उल्टा मामला है कि वाजिब में उतना खुलूस नहीं रहता जितना मुस्तहब में रहता है,
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, वाजिब में उतना खुलूस नहीं दिखाई देता कि जितना मुस्तहब में खुलूस हो। वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना, वो शब कदर की रात में आप देख लीजिए जितनी शब कदर की रात होती है ना, वो शब कदर की रात इसलिए कह रहा हूँ कि यही बोला जाता है। ये भी देखिए गलत उलाम है, शब कदर की रात है ना, शब कदर की रात, वो शब कदर का मतलब ही हुआ कदर की रात, कि उसमें भी एक और लगा दिया जाता है। मैं ये कह रहा था कि जो ये जो कुछ भी है, ये जो हमसे मुतालबा हो रहा है वो क्वालिटी में हो रहा है, हम डिमांड ज़्यादा की। और इसीलिए अल्लाह ने देखिए, अगर हमसे क्वांटिटी का मुतालबा होता, तादाद का मुतालबा होता, तो मैदान महशर में अल्लाह को कैलकुलेटर लगाने पड़ते। खुदा वंदे आलम कैलकुलेटर लगाता, या गिनने वाले बैठाए जाते, वो जो कैशियर होते ना गिनने वाले, या वो मशीन जो गिनने वाली होती वो लगाई जाती, और नमाजों की गड्डी डाली जाती, देखा जाता कितनी नमाजें हैं, है कि नहीं। रोज़ों की गड्डी डाली जाती, देखा जाता कितने रोज़े हैं। हज की गड्डी डाली जाती, देखा जाता कितना है। अल्लाह ने वहाँ कैलकुलेटर लगाया नहीं, यानी इस तरह की काउंटिंग मशीन नहीं लगाई, अल्लाह ने तराजू लगा रखा है। मैदान महशर में काउंटिंग मशीन नहीं लगेगी, बल्कि तराजू रखा जाएगा, यानी इंसान का अमल गिना नहीं जाएगा, तौला जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, वजन किया जाएगा, वजन किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि ये एक ही नमाज सही, इसका वेट क्या है, इसमें वजन कितना पाया जाता है, ये देखा जाएगा। ये जो एक रोजा इसने रखा है, इसका वजन क्या है। ये जो हज करने के लिए गया, ये अंदर से पोल है या वाकयन इसके अंदर वजन पाया जाता है। ये जो इन्फाक कर रहा है, ये जो गरीबों की मदद कर रहा है, ये जो सखावत दिखा रहा है अपनी, इसमें कितना वजन पाया जाता है, इसका वेट क्या है कि नहीं है, ये देखा जाएगा मैदान महशर में, ये नहीं देखा जाएगा। हाँ, ये तो एक फितरी सी बात है, अगर क्वांटिटी क्वालिटी के साथ हो तो क्या कहना है कि नहीं। अगर क्वांटिटी क्वालिटी के साथ हो, कमियत कैफियत के साथ हो, तादाद जो है वो उसके अंदर हुस्न के साथ हो, वही खुजू व खुशू के साथ हो, तो फिर क्या कहना है, बात ही है अलग है। लेकिन अल्लाह ने एक बात ये बिल्कुल क्लियर क्लियर कट कही है कि हम तुम्हें आजमाएंगे और आजमा के ये देखेंगे तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया जो बात मैंने कही कि इंसान की जो खूबियाँ हैं अगर वो बग़ैर इल्म के हों तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है इंसान की निगाह में कम हो जाती है, और खाली इंसान की निगाह में नहीं, अल्लाह की निगाह में भी कम कम हो जाती है। जाहिल की इबादत का वजन और है, आलिम की इबादत का वजन और। गौर कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जाहिल की वजन इबादत का वजन उसका वेट और है, और अल्लाह की निगाह में आलिम की इबादत का वजन, और इससे तो आगे बढ़ करके अब आप सोचिए नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सारी इबादत ये सारे मुतालबात, इनसे बड़ा मुतालबा सख्त तरीन मुतालबा है वो क्या है, वो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करना है कि नहीं। और कितने मरातिब है शहदा के, रिवायत में है कि एक कतरा खून का ज़मीन तक नहीं पहुँचता और अल्लाह उसके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और इतना मरतबा शहीद का कि आप कितने मुत्तकियों परहेजगारों अल्लाह वाले हों, किसी मंजिल पे भी पहुंच जाएं, मर जाइए तो आपको नहलाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, कपड़े उतार लिए जाएंगे, नया सा नया कपड़ा क्यों ना हो, फिर एक सादे से कफन में आपको लिटाया जाएगा, बांधा जाएगा, फिर उतारा जाएगा कब्र में। लेकिन शहीद का मर्तबा क्या है कि उसी कपड़े में दफन किया जाएगा कि जिसमें उसने शहादत पाई है, यानी उसने उस कपड़े को भी पाक कर दिया। आप मरे 3 मरतबा गुस्ल करके मरे, आप कपड़ा आपका आबे जमजम में धोया गया मरने से पहले, और वो पहन के आप मरे, लेकिन इधर मरे तो वो 3 मरतबा गुस्ल भी बेकार है, आप नजिस, लिबास उतार दिया जाएगा, चाहे उसे आबे जमजम से क्यों ना धोया गया हो, उतार दिया जाएगा, वो एक कफन दिया जाएगा मामूली सा। लेकिन अगर शहीद मरे, शहीद की जान जाए, तो वो उसी लिबास में उसे, आप तसव्वुर कर रहे हैं, उसी लिबास में उसे दफन किया, ये मर्तबा है शहादत का, ये मर्तबा है। लेकिन अब सोचिए रिवायत
अब इसके बाद रिवायत देखिए कि रिवायत बयान करती है, जो रिवायत में मशहूर रिवायत है, कोई नई 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 मैं बातें नहीं पढ़ता, नई नई बातें जो सुनी सुनाई बातें मैं वही पढ़ता हूँ ज़्यादातर, कोई नई चीज़ कहीं से ढूंढ ढांड के लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, वो जो नया नया पुराना पुराना वही सुन लिए काफ़ी, वही समझ में आ जाए काफ़ी है, नए की ज़रूरत नहीं होती है, एक नहीं। तो रिवायत में है कि आलिम के कलम की रोशनाई ये शहीदों के खून से बेहतर है, आप तसव्वुर कीजिएगा, यानी आलिम के कलम की रोशनाई, आलिम नहीं, अभी आलिम की बात ही अलग है, उसके कलम की रोशनाई को अफजल बताया गया है शुहदा के खून से, शहीद के खून से। ये मर्तबा है अल्लाह की निगाह में एक जानने वाले का और इल्म रखने वाले का, आप तसव्वुर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, ये मुकाम है अल्लाह की निगाह में एक जानने वाले का और इल्म रखने वाले का, ये मुकाम है अल्लाह की निगाह में, है कि नहीं। तो आप तसव्वुर की खाली इंसानों की बात नहीं हो रही है कि इंसानों की निगाह में, कि इंसान की निगाह में एक पढ़े लिखे की ज्यादा वैल्यू होती है और पढ़े उसके आमाल जो हैं, और आप आजमा लीजिए, ये देखिए कौन सी चीज, कुछ चीज़ें होती ना इंसान की जीनत, हर इंसान का एक जेवर है और इंसान की जीनत है, और जिस चीज़ को इंसान की जीनत बताया गया है वो है इल्म, यानी इंसान की जीनत जिस चीज़ से इंसान मुजयन होता है वो है इल्म, किसी भी फन में हो। बात इसकी नहीं है कि सब जान लिया जाए, ये तो मुतालबा किसी से है ही नहीं और ये कर भी नहीं सकता है कि वो सब जान ले, ये तो इम्कान से बाहर है ना, कि हर एक इंसान हो जो सब जानता हो। अल्लामा हिल्ली का नाम आपने सुना होगा, है ना, अल्लामा हिल्ली का, जिनके बारे में इमाम को की जिनको ज़ियारत हुई, जिन उलमा को इमाम की ज़ियारत हुई, उनमें से एक शख्सियत अल्लामा हिल्ली 12 साल की उम्र में मुज्तहिद हो गए थे। आप सोचिए 12 साल की उम्र में ये IQ लेवल का आलम यह था कि 12 साल का लड़का शरारत तो करेगा ना, और मुज्तहिद हो गए थे। अच्छा, मुज्तहिद होने का मतलब, यानी बड़ा पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुत बन जाए, समझ रहे हैं आप, बुत बन जाए, जब आदमी थोड़ा सा अपने को महसूस करने लगता है ना कि हम कुछ होगा तो बुत बन जाता है, बुत समझते हैं ना, बुत बन जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ ठस्सा है कि नहीं, लबों पे ना मुस्कुराहट है ना चेहरे के ऊपर किसी, जिसे कह लीजिए कि खिला हुआ चेहरा नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है कि अभी कुछ बोलिएगा थप्पड़ मार देंगे, मतलब इस तरीके का वो एक मिजाज जो है वो, मतलब मुज्तहिद और आलिम बनने का मतलब ही ये नहीं होता है कि नहीं, बल्कि इसको तो जिसे कह लीजिए कि मजमूम जाना है इस्लाम ने, इस्लाम की निगाह में ये कोई चीज़ इसका ताल्लुक न दीनदारी से है न तकवे से है न परहेजगारी से है। रोब दबदबा, रोब का मतलब डर जाए कोई आपसे तो आप आलिम नहीं है, कोई डरावनी चीज है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है कि नहीं, डरना क्या होता है, नारे तकबीर, नारे आलिम की ये शनाख्त तो ये पहचान तो है नहीं कि लोग जो हैं वो बड़ा रोब है चेहरे के ऊपर और बड़ी अबूसियत है चेहरे के ऊपर। आलिम इसलिए है कि लोग पास आएं ना कि दूर जाएं, आलिम इसलिए, इल्म इसलिए है, आपके पास इल्म आया तो उसका लाजमा ये कि लोग आपके पास आने चाहिए, आपके पास बैठने चाहिए, नहीं बैठते और आपसे दूर भागते तो आप अपने इल्म का क्या कीजिएगा, बताइए क्या बेचिएगा इल्म, कहाँ जाएगा इल्म, क्या वैल्यू है उस इल्म की कि जो दूसरे को फायदा ना पहुंचा सके। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले रिवायत में, रसूल खुदा से रिवायत है, गालिबन रसूल खुदा से रिवायत है या किसी मासूम से रिवायत है ये तो पक्का है, लेकिन रसूल खुदा ये थोड़ा सा मुझे डाउट है कि उन्हीं से देखा था या किसी और इमाम से देखा था, लिहाजा मैं कह रहा हूँ मासूम से रिवायत है, मासूम से रिवायत है कि पूछा गया इल्म क्या है, तो इमाम ने जब मासूम ने जवाब दिया इल्म है सुकूत का नाम, सुकूत यानी खामोशी का, और इल्म क्या है का सुकूत के बाद इस्तेमा सुनना, सुनना इल्म है,
बोलना इल्म नहीं है, सुनना इल्म है। सुकूत पहले मरहले में, दूसरे मरहले में क्या है? इस्तेमा का। और क्या इल्म है? का हिफ्ज इल्म है। तीसरा मरहला सुकूत, सुनना, जो सुना उसे याद करना, है कि नहीं? अब देखिए ये दो मरहले में तो सब रहते हैं, अब आखिर के दो मरहले में सब गायब हो जाते हैं। पांच मरहले इल्म के हैं, पहला सुनना, दूसरा पहला सुकूत खामोशी, यानी जब इल्म बैठ रहा हो तो चुपचाप से चुपचाप रहिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, खामोशी से खामोश रहिए, अपनी जबान मत चलाइए। फिर दूसरा मरहला क्या है? इस्तेमा, सुनना, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। तीसरा मरहला क्या है? हिफ्ज है, जो सुना है उसे याद भी कीजिए, लेकिन खाली सुनने तो थोड़ी इल्म बनेगा, जब तक उसे याद ना किया जाए, हिफ्ज ना किया जाए, महफूज ना किया जाए ज़हन में। सुन लेने से आलिम थोड़ी बनता है, सुन लेने से आलिम नहीं बनता जब तक के वो आपके जहन में जखीरा ना हो जाए, ठीक है? नहीं, अच्छा, बाद लोगों की आदत होती है लिखने की, आदत होती, लिख लेते हैं याद नहीं करते। हमने बहुत से देखे वहाँ अमेरिका में डिटाइट मजलिस पढ़ रहे थे, तो कम से कम 25-30 आदमी बैठे हुए कापी कलम लिए हुए जो हम पढ़ रहे थे, पहली बार तो मैंने ऐसा देखा, मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा लगा, तो बैठे हुए कापी कलम लिए हुए तेज़ी से, और वो स्क्रीन लगा हुआ था, हम जो बोल रहे थे वो डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था, फौरन इमीजिएटली इंग्लिश में स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेट हो रहा था, जो कुछ हम बोल रहे थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था, मेरे पीछे ही स्क्रीन लगा हुआ था, और वो बैठे हुए दंदन 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 लड़के जो हैं वो, चूँकि वहाँ बात जो उर्दू जानने वाले भी थे, तो लड़के उनके जो वो इंग्लिश के अलावा कुछ और उर्दू नहीं आती उनको, तो जो हम बोल रहे थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था, और उनके कान में लगा हुआ था, तो उनके कान में आवाज़ भी जो है वो ट्रांसलेट होके पहुँच रही थी, तो फटफट फटफट लिख रहे थे। अरे एक दिन, दो दिन, तीन दिन हुई मजलिस, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ना, हमने बोला, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमने बोला वही आपने समझा। अक्सर होता है इंसान बोलता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। तो मैंने कहा मैं ये देखना चाहता हूँ इन्होंने समझाना क्या, समझा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हम चले जाएं और ये कुछ और समझें बात को, क्या मौलाना ने पढ़ा था, हम तो फंस जाएंगे, हमारी तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं मुश्किल हो जाएगी, फंस जाएंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मालूम हुआ लिखा सब ने था, लेकिन उनमें से कुछ एक भी याद किसी को नहीं था, तो लिखना इल्म नहीं है। एक चले जा रहे थे, एक सहरा के अंदर एक काफिला चला जा रहा था, डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया, सब लूट लाट लिया। एक बेचारे बुजुर्ग से थे, उनके पास माल व असबाब था, सब लूट लिया, वो एक गठरी ऐसे दबाए हुए बैठे थे, गठरी दबाए हुए बैठे हुए थे। अब ये जो सिचुएशन होती है इसमें तो जो लूटने वाला उसको और शक हो जाएगा कि इसमें तो ज़्यादा माल है, तभी ये दबाए हुए हैं। तो उसने पूछा ये गठरी दो, उसने कहा कि नहीं, सब ले लो, माल ले लो, सब सब कुछ ले लो, ये गठरी मत दो। उसने कहा कि इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कीमती चीज़ है, तभी वो देना नहीं चाहता। ज़बरदस्ती उससे वो गठरी छीनी गई, खोला गया तो अंदर ढेरों कागज़ भरे हुए, कागजात भरे हुए उसके अंदर। कहा भाई ये क्या है कागजात? इसको बजाय कह लेंगे ये मैंने अपनी ज़िंदगी के में जो कुछ पढ़ा है वो सब इसमें लिखा हुआ है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अगर ये तुम ले गए तो मैं जाहिल रह जाऊंगा, मतलब मेरी पूरी मेहनत बर्बाद, मुझे जो कुछ है वो सब इसी में। तो उसने जिद में आग लगा दी, कहने का ऐसे आलिम का ना होना बेहतर है, तुम जाहिल रहो कि जो कागज में रहे तुम्हारे जहन में ना रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, उसने पूरी आग लगा दी, समझ रहे हैं आप? तो पहला मरहला है सुकूत, खामोशी। दूसरा मरहला क्या है? इस्तेमा, सुना जाए, लेकिन खाली सुनने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ हिफ्ज। तीसरा मरहला हिफ्ज का। चौथा मरहला ना इल्म, इल्म बुकराती करने के लिए नहीं है, ये ध्यान में रहना चाहिए। आमतौर पे इल्म इंसान हासिल करता है बुकराती करने के लिए, बुकराती समझते हैं ना, दूसरे पे धौंस जमाने के लिए, खाली सिर्फ दूसरों पे धौंस जमाने के लिए इल्म हासिल करता है। गाड़ी गाड़ी बातें, गाड़ी गाड़ी तरकीबें, गाड़ी गाड़ी चीज़ें वो बयान करता है, वो इल्म। तो इसलिए इल्म नहीं है। इल्म इंसान को ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़, सहूलत देने वाली शय का नाम है। इल्म हासिल ही इसलिए किया जाता है ताकि ज़िंदगी इंसान की सहूलत से बसर हो सके, मकसद तो यही है ना, वरना जान के क्या करेंगे, आपकी जानने का क्या फ़ायदा है भाई, आपके जानने का क्या फ़ायदा? हम बहुत बड़े आलिम हैं, और अगर इसके असरात, अगर इसका रिएक्शन,
बाहर नजर ना आए तो इस इल्म का फायदा क्या है? बताइए इल्म का फायदा क्या होगा? भाई इल्म का फायदा ही ये ना कि उससे कुछ ना कुछ हमें सहूलत मिले, आराम मिले, जिंदगी सही सुकून से बीते, है कि नहीं? अब देखिए जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज इल्म की वजह से सहूलतें, अब ये सारी थ्योरियां अगर खाली रह गई होती, ये सारी थ्योरियां अगर रह गई होती और प्रैक्टिकल में ना आती, तो आप बताइए आपके पास सहूलत की कोई चीज होती? नहीं होती ना। तो पहला खाली याद कर लेना, खाली सुन लेना, इससे इल्म फायदा नहीं पहुंचाता, है कि नहीं? बल्कि चौथा मरहला, पहला मरहला सुकून सुनना, खामोश रहना, दूसरा मरहला इस्तेमा सुनना, तीसरा मरहला हिफ्ज, जब याद हो जाए तो अगला मरहला है कि इस पे अमल करना, जो जाना गया है उस पे अमल किया जाए। अब आप देखिए ये तीन मरहले हो गए, नबी ने कहा अभी आलिम उलिम नहीं हुआ, ये अभी इसे आलिम उलिम नहीं कहते कि जिसने जो खाली खामोश रहा वो भी आलिम नहीं, जिसने खाली सुना वो भी आलिम नहीं, जिसने सुन के याद भी कर लिया का अभी भी आलिम नहीं है, और याद करके अमल भी करने लगा का अभी भी आलिम नहीं का। फिर अगला मला का पूछा कि और क्या इल्म का? जो कुछ जाना और अमल किया है ये अपनी दात तक महदूद मत रखो, लोगों में इसे फैलाओ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ये पांच मरहले मुकम्मल हो जाए तब इंसान बनता है आलिम। और अगर इस तारीफ पे देखिएगा तो इस वक्त तो हमारे लोगों में तो कोई आलिम नजर ना आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, एक नहीं। यानी जब तक ये पांचों मरहले मुकम्मल ना हो जाएं, और जितना अमल कर रहा हो उतना ही आलिम है। जानने का नाम आलिम होना नहीं होता कि हम इतना जानते हैं लिहाजा हमको आलिम कहा जाए, ना, ये डेफिनेशन आलिम की है ही नहीं। आप जितना जानते हो उतने पे अमल करके, जितने पे अमल करते हो उतने आलिम हैं आप। गौर कीजिएगा, यानी जितने पे आप अमल करते हैं प्रैक्टिकल आपका जितना नजर आ रहा है आप उतने ही आलिम हैं, उससे ज्यादा आप आलिम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। और कदर भी इंसान की जो होती है वो इल्म की बुनियाद के ऊपर खाली नहीं होती, बल्कि इल्म पे अमल की बुनियाद पे कब्ज होती है इंसान की। आप तसव्वुर कीजिएगा जो बात मैं कह रहा था। तो ये एक मामला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तसव्वुर कीजिए ये है मामला। तो ये एक ऐसी शय है कि जो इंसान की जीनत है, यानी इंसान की जीनत, जो इंसान की वैल्यू, हर चीज की एक इजाफा होता है ना भाई। देखिए आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पुरानी होती हैं, जो कदीम होती हैं, तो जिस ज़माने में थी उस ज़माने में उसकी वैल्यू नहीं थी चूँकि ढेरों थी, है ना। वो जैसे जैसे रेयर होती गई उसकी वैल्यू जो है वो पुरानी होती गई, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है, उसकी कीमत जो है वो बढ़ती चली गई। अब जो एक रुपये का सिक्का आज से 500 साल पहले का था, वो जो भी रख लिए दमड़ी होता था उस जमाने में, दमड़ी दमड़ी चलती थी, खोटी खोटा सिक्का, खोटी दमड़ी, फूटी दमड़ी, क्या कहलाता था? आपने तो खरीदा हो कुछ ना कुछ उसमें से, पुराने क्या नाम है, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी कौड़ी कहलाती थी, कौड़ा दमड़ी भी होती थी एक, फूटी कौड़ी कौड़ी कौड़ी। अब आप सोचिए कौड़ी मैंने देखा, आपने नहीं देखा कौड़ी वाला? चलिए तो ज्यादा पुराने नहीं आप। फिर वो कौड़ी, फूटी कौड़ी, एक चीज होती थी कौड़ी और एक चीज होती थी फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी का मतलब वो खराब हो जाती थी, उसमें छेद था, वो पैसा होता था, उसमें सामान मिलता था। आज के जमाने का जो पांच पैसा है ना, पांच पैसे का जो हम लोगों के बचपने में पांच पैसे की वैल्यू थी, वही वैल्यू समझ लीजिए फूटी कौड़ी की होती थी। फूटी कौड़ी की वो कौड़ी होती है जिसमें वो नहीं रहता, वो क्या कहलाता है, वो हैं, नहीं नहीं उसमें एक जानवर रहता था, वो घोआ, वो जो जिसमें से निकलता था वही कौड़ी कहलाती थी, और वो टूट जाती थी तो उसको फूटी कौड़ी कहते थे, उसे फूटी कौड़ी, उस पे सामान मिलता था। आप सोचिए
आप सोचिए उस जमाने में वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसी जमाने की अगर वो फूटी कौड़ी भी आपके पास में है तो वो हजारों और लाखों में बिक जाएगी। आप सोचिए उस जमाने में जिससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता था, आज वही फूटी कौड़ी अगर आपके पास उसी जमाने की हो ना, या फिर वो जो चमड़े का सिक्का चलता था अगर वो उस जमाने का हो जिससे शायद थोड़ा सा सामान मिलता था, वो अगर इस जमाने में आपके पास हो तो आप लाखों में उसे बेच सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी, चूंकि वो रेयर हो गया ना, अब वो हो गया उन चीजों में से कि जो आसार कदीमा में कहलाती हैं और बिल्कुल रेयर हो गया, वो मिलेगा नहीं लिया, उसकी वैल्यू हो गई, उसकी अहमियत हो गई है। गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे चीज पुरानी होती जाती है यानी कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वो रेयर होती जाती है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़। यही मामला इल्म का है कि नहीं। जितना सब जानते हैं, हम जानते हैं, तो हमारी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर इल्म बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो इंसान रेयर होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो रेयर होता चला जाता है उसकी वैल्यू में और उसकी अहमियत में और उसकी कदर में इजाफा होता चला जाता है। गौर कीजिएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मैंने बात को ख़त्म कर दिया, गुफ्तगू इख्तिताम के मरहले से करीब हो गए, चूँकि अभी 10 मिनट के बाद फिर एक महफिल मजलिस है, फिर उसके बाद एक और मजलिस है, तो कई मजलिसें हैं, तो बात को समेट रहा हूँ, आधा घंटा 35 मिनट हो भी गया पढ़ते हुए, है कि नहीं। तो अब आप तसव्वुर कीजिए ये मेलाक है कि जिसके बारे में खुदा सवाल करके इंसान को मुतवज्जे कर रहा है, हल कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम फैसला करो तुम्हारी अक्ल क्या कहती है, जाहिल और आलिम बराबर हैं क्या, पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं क्या उनकी वैल्यू और उनकी अहमियत एक जैसी है, क्या दोनों एक ही खाने में फिट होंगे। तो तवज्जो रखिएगा और ये याद रखिएगा, मैंने कई मरतबा इस बात को भी कहा है कि अहले बैत की निगाह में भी जो मिलाक है वही मिलाक है कि जो अल्लाह का है, यानी जो बनाया हुआ अल्लाह का मिलाक है वही मिलाक अहले बैत का भी है, वही मिलाक अली इब्ने अबी तालिब का भी है। आप गौर कीजिएगा, वही मिलाक। और इसीलिए 313 अफराद की जो फहरिस्त है वो आने वाला, तो जहां सलवात पढ़े मोहम्मद। वो जो वैल्यू है, वो जो अहमियत है, तीन कंडीशन है, यही रब्ते मसाहिब भी है इंसान के लिए, तीन ऑप्शन रिवायात में है, तीन ऑप्शन आपके पास है, या आलिम बनिए या तालिब इल्म बनिए, यानी इल्म स्टूडेंट जिसे आप कहते हैं, इल्म हासिल करने वाला, या फिर इल्म दोस्त बनिए, ये तीन कंडीशन है, या आलिम या इंसान खुद जो है वो मुतालिम बने यानी इल्म हासिल करने वाला, कि वो लाइफ, इंसान की पूरी लाइफ की बात हो रही है, एक पीरियड की बात नहीं हो रही। एक सवाल होता है, लोग कहते हैं कब तक पढ़ते रहें, कब तक पढ़ते रहें, यही पढ़ने के हवाले से तो ये सवाल मुमकिन ही नहीं है, चूंकि पढ़ना खाने से ज्यादा जरूरी चीज है, यानी इल्म खाने से ज्यादा, खाने के बारे में तो आप नहीं पूछते कि कब तक खाते रहें, तो पढ़ने के बारे में ये सवाल कैसे हो सकता है कि कब तक पढ़ते रहें। इसका ताल्लुक तो मिनल महद इलल लहद, इंसान को गहवारे से लेकर के गोशे कब्र तक इल्म हासिल करना है, ये मुतालबा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
बात को ख़त्म कर दिया। और ये यकीन मानिए कि अगर इंसान इल्म दोस्त नहीं बन पाता तो नतीजा ये होता है कि इंसान फिर उस मंजिल पे पहुंच जाता है कि वो आलिम के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आलिम के वजूद को बर्दाश्त, जब भी टकराता है जाहिलों से तो उनका मकसद ही होता है दुनिया और उसका हुसूल, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद ही नहीं होता है। और ये जब टकराता है मामला तो नतीजा ये होता है कि कोशिश इस बात की जाती है कि आलिम को इस वजूद के वजूद को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर इल्म रखता है तो वो रोकने वाला भी होगा, टोकने वाला भी होगा, बताने वाला भी होगा। और यही वजह थी कि इन नूरानी शमों को कभी बर्दाश्त नहीं किया गया, उन नूरानी शमों को कि जो इल्म तकसीम करने वाले थे कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। और आप सोचिए कि हर एक को शहीद किया गया, हर एक को जाम शहादत नोश करना पड़ा। करबला के मैदान का कई उनवान है, एक उनवान करबला के मैदान का नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कोई एक मकसद में, कोई एक मकसद में हुसैन की कुर्बानी को महदूद नहीं कर सकता है। कोई ये कहे कि बस इसी मकसद के तहत, बस नहीं कह सकता कोई ये। इसलिए कि इमाम का एक इकदाम भी हज़ारों जहतें और हज़ारों मसलहतें लिए हुए होता है। तो करबला में हुसैन जो आए तो वो किसी एक मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक कुर्बानी के ज़रिए तो हुसैन ने न जाने कितने फ़ैसले कर डाले, एक कुर्बानी के ज़रिए से हुसैन ने न जाने कितने फ़ैसले कर डाले। मैंने बात को ख़त्म कर दिया। देखिए मुहर्रम शुरू हुआ था और आज 7 सफ़र हो गई, आज 7 सफ़र हो गई और हमको पता भी नहीं चला। थोड़े दिनों में ये आज़ादारी, ये अय्याम, ख़ास अय्याम है ये हुसैन पे आंसू बहाने की। इस देखिए पूरे साल इंसान गिरिया करता रहता है, आंसू बहाता रहता है, हुसैन की मजलिसें होती नहीं, लेकिन मुहर्रम की कैफियत ही कुछ अलग होती है। आप महसूस कीजिएगा वो कैफियत जो मुहर्रम ये अय्याम अज़ाम है, ये 2 महीना 8 दिन में जो पैदा होती है और तारी होती है हमारे ऊपर, ये कैफियत आम दिनों में हमें नज़र नहीं आती। ये ख़ास, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी अय्याम की बरकतें कि जिन्हें अय्याम अज़ा कहा जाता, और ये वो मौक़े हैं जो इसे गनीमत समझना चाहिए इंसान के लिए। और आप सोचिए आज भागती हुई दुनिया में, दौड़ती हुई दुनिया में, मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में जो हर मुहिब अहले बैत को जो चीज़ जोड़े हुए है, वाबस्ता रखे हुए, उसे फ़र्श अज़ा कहा जाता है। ये हुसैन का गम है कि जो हर एक को जोड़े हुए वाबस्ता रखे, ये इसकी बरकत कम है कि इंसान हर चीज़ को भुला करके, गुरूर तकबुर सारी अनानियत को फरामोश करके आके फर्श के ऊपर जिक्र हुसैन के लिए बैठ जाता है। वो के जो किसी के घर में जाके एक प्याली चाय पीना भी पसंद नहीं करता, वो भी फख्र से इस मजलिस पे आता है जिक्र हुसैन करने के लिए, तस्कर हुसैन सुनने के लिए। ये कम बरकत है हुसैन की, ये कम बरकत है इस फर्श अदा की, ये गनीमत नहीं तो और क्या है। और आप सोचिए कितना बड़ा सिला है कि अगर वाकयन हमारी आँख, देखिए बयान करने को सब बयान होता रहता है लेकिन हम कभी तवज्जो नहीं करते। आप सोचिए कि हमारी आँखों से निकलने वाले आंसू ज़मीन पे गिरने नहीं पाते, और फातिमा जहरा का रूमाल, यानी फातिमा जहरा के दामन में उनके रूमाल में जगह पड़ते हैं, ये वही रूमाल है ना। यानी आप सोचिए जो शरफ इमाम हुसैन ने हुर को बख्शा था, जो शरफ इमाम हुसैन ने हुर को बख्शा था, वो बीबी हुसैन पे रोने वालों को बख्श रही हैं, हुसैन पे रोने वालों को बख्श रही हैं। और यकीन मानिए वो दुखियारी माँ, वो दुखियारी माँ के जो करबला तक हुसैन के साथ आई थी, करबला तक हुसैन के साथ आई थी, और सिर्फ करबला तक नहीं, हमराहे सरे हुसैन करबला से कूफे तक, कूफे से शाम तक। और रिवायत के फ़िक्रे हैं, बस आखिरी मंदो और मैंने ज़हमत आपकी तमाम कर दी, जब ये काफिला जिंदा ने शाम में कैदी बना के रखा गया था, कैदी बना के रखा, एक दिन दरबान बान आके सैयद सज्जाद से कहता है कमौला जब ये शब का सन्नाटा होता है तो बीवियों से कह दीजिए कि जिंदान से बाहर निकल के गिरिया ना किया करें, आंसू न बहाया करें। का अगर कहीं ये खबर पहुंच गई दरबार तक और खबर मिल गई तो मेरी खैर नहीं है, बीवियों से कह दीजिए
कि वो जिंदान में ही रहा करे, जिंदान के बाहर आके गिरिया ना किया करे। इमाम आए, फूफी को मुखातब करके कहा, फूफी अम्मा शायद हम में से कोई बीवी ऐसी है कि जो बाहर निकल के जिंदान बान बता रहा था कि बाहर निकल के और पुश्त जिंदान पे जा करके आंसू बहाती हैं, गिरिया करती हैं, वाह वलदा वाह हुसैना के नारे बुलंद करती हैं। का बेटा सैयद सज्जाद वो अपने हाथों से दरवाज़ा बंद करके जाता है, कौन है कि जो हम में से जो जिंदान से बाहर जाएगा। इमाम आए उस दरबान के पास, जिंदान बान के पास, और आगे कहने लगे, जब शब हो और वो बीबी आए तो मुझे बुला लेना। और जब शब की तारीकी आई, सन्नाटा छाया, दरबान बान दौड़ता हुआ, मौला चलिए वो बीबी आ गई, इमाम हमरा हुए। अब जब पहुंचे तो क्या देखा कि एक नकाब पोश बीबी है कि जो अपने सीने पे हाथ रखे हुए और एक हाथ अपने पहलू पे रखे हुए गिरिया कर रही है, वाह वलदा वाह हुसैना। इमाम ने आवाज दी, भाई ये हम कैदियों में से कोई नहीं है बल्कि मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा है कि जो मेरे काफिले के हमरा अपने लाल कमा कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़ियाल्लाहु अल्लज़ीना तलाय अल्लाहुम्मा बिहक मुहम्मदिन मंदला بحق علي وانت العلى بحق فاطمة وانت فاطر بحق الحسن وانت المصطفى بحق الحسين وانت علي بحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه। हज़रात एक मरतबा सूरह फातिहा और एक मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर सैयद इकबाल हुसैन इब्न सफदर हुसैन और सैयद अली सामिन इब्न अली जामिन साहब की रूह को हदिया फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम वल्लाहु अब्दुस समद लम यलिद वलम युलद। हुसैन हुसैन से खून टपके ऐ देना जरा सहारा।
जा रहे अस्सलामुअलैकुम जमीअन शुहदाए करबला खुसूसन सैयद मौलाई अबुल फज़ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन बक़ासिम इब्न रसूल मुहर शहीद रियाई मुस्लिम ने सजा मुस्लिम ने अकील वहान इब्न अरबा हबीब इब्न मज़ाहिर अस्सलामुअलैकुम या सादाती वालियन
जमीन मरमतुल्लाहि व बरकातु या लैतनी कुंतु माकुम फाफूज़ फौज़ अज़ीमा।